जो भी आदमी सर का बहुत सा टाइम था, आज इनको जांच करना था, कल इनको लिस्टिंग के लिए कमिटी का बैठक था, इस सर से कारण टाइम नहीं दे पा रहे थे और हम और से जनप्रतिनिधि को बुलाने के लिए टाइम खिसकाना चाह रहे थे, लेकिन मेरे तीन जो थे जिन्हें हम मॉडल के रूप में लेके चलना चाह रहे थे, पत्रकार साहब, वीरेंद्र जी और जिला शिक्षा पदाधिकारी, इन तीनों का टाइम आज ही सेट हो रहा था, इसीलिए और सब आदमी मंत्री महोदय विधायक जी नहीं आए, लेकिन इस प्रतिष्ठा को बचा करके और जवाबदेही लेकर के हमारे विधान पार्षद जी ने हमारी रक्षा किए हैं और इन्होंने भी ईमानदारी और कर्तव्यता से मधुबनी जिला को बचाने की अपना जवाबदेही दी है और ये सब आ गए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद इनको देते हैं, पूरे प्रखंड अध्यक्ष जो हमें साथ देते हैं लड़ने के लिए, आज जो भी हमारे एसोसिएशन में भी कुछ समस्या हुई थी हम चुप थे, लेकिन हमारे ये प्रखंड अध्यक्ष ही हमको लड़ने के लिए कहे नहीं सर आप चुप क्यों हैं, मैंने इन लोगों की भावना को नहीं कदर करते हुए अपनी जवाबदेही समझ करके उसे ईमानदारी पूर्वक निभाने का स्वीकार किया, बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास मैसेज दिया, वो भी हमको बार बार फोन करने लगे, वो भी कहे तुम सही कर रहे हो, इस सबके साथ मैं धन्यवाद, सभी आदमी दूर से आए हैं, ठंडा का मौसम है और मैं चाहूंगा कि आप वीरेंद्र यादव जी आप हैं और ये सम्मान ग्रहण करें। सम्मान कार्यक्रम से पहले मैं चाहूंगा नव निर्वाचित हमारे जिला अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन और मधुबनी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष को, विभिन्न प्रखंड से आए हुए प्रखंड अध्यक्ष मालार्पण कर माला पहना के उन्हें सम्मानित करें और निश्चित रूप से आने वाले समय में अपने कर्मठता के कारण जो ये आज जिला अध्यक्ष चुने गए हैं वो आने वाले समय में भी इसी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य परायणता से